मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि लाडली बहना योजना के पैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 1,000 रुपए से बढ़कर इसे 3,000 रुपए तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये योजना भले ही 1,000 रुपए से शुरू हुई है, लेकिन केवल 1,000 रुपए तक ही सीमित नहीं रहेगी। जैसे जैसे सरकार के पास पैसा आता जाएगा, 250 रुपए बढ़ते जाएंगे और इसको 3,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वहीं इस योजना के लिए न्यूनतम आयु की पात्रता भी 23 से घटाकर 21 साल होगी। ये योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा, अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2,000 से 2,250, 22 से बाद में 2,500, 2,500 से 2,750 और जिस दिन मौका मिल गया 3,000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीने 3,000। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।